अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो इस वीडियो के चार हिस्से हैं जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा हामिद मीर और इमरान खान के कलसूम नवाज़ के बारे में दिलचस्प राय है। नाज़रीन, बेगम कलसूम नवाज़ की मौत की वजह उनके गले का कैंसर बनी। यह सन 2017 की बात है जब उनको NA-120 लाहौर से इलेक्शन के लिए नामज़द किया गया, लेकिन वो चंद ही दिनों के बाद बीमार हो गई और मरियम नवाज ने उनके इलेक्शन की मुहिम चलाई और उनको हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक लंदन में मुंतकिल कर दिया गया और वो वहाँ एक साल से ज़ायद अरसा के लिए ज़ेर इलाज रही। नाजरीन, इसी दौरान उनको कई मरतबा शदीद बीमार होने की वजह से वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वेंटिलेटर को लाइफ सपोर्ट भी कहा जाता है। लाइफ सपोर्ट से मतलब ये है कि जब इंसान शदीद अलालत का शिकार हो जाता है और उसके जिस्मानी अज़ा तकरीबन नकारा हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं, तो मस्नूई ऑक्सीजन के ज़रिए से उनको अपनी असली हालत में लाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, आपके कई मरतबा नवाज शरीफ को कलसूम नवाज से बातें करते हुए सुना होगा। दरअसल इंसान के सेंसेस में हीरिंग यानी कुव्वत समात वो एक वाहिद चीज़ है जो सबसे आखिर में ख़त्म होती है। बेगम कलसूम नवाज़ की कई मरतबा रेडियो थेरेपी और कीमोथेरेपी की गई, लेकिन उनका कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो सका। उनकी सेहत कई मरतबा ठीक होती रही, लेकिन 10 सितंबर 2018 को वो दोबारा लाइफ सपोर्ट पर मुंतकिल कर दी गई और 11 सितंबर 2018 को वो वफात पा गई। बेगम कलसूम नवाज़ की ज़िंदगी के बारे में चंद अहम बातें। बेगम कलसूम नवाज़ 19 मार्च 1950 में लाहौर में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक कश्मीरी ख़ानदान से था। वो दुनिया के मशहूर पहलवान गामा पहलवान की पोती थी। उन्होंने इब्तदाई तालीम लाहौर के मदरसा से हासिल की, बाद में इस्लामिया कॉलेज और ग्रेजुएशन उन्होंने क्रिश्चियन लाहौर कॉलेज से हासिल की। उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। नाज़रीन, नून लीग सन 1980 में क़याम में आ चुकी थी, मगर सन 1980 से लेकर सन 1999 तक उन्होंने कभी सियासत में हिस्सा ना लिया और ना ही उन्होंने मुशर्रफ के दौर के बाद कभी सियासत में कोई बयान या हिस्सा लिया। उनकी सियासत सिर्फ मुशर्रफ के दौर में उस वक्त शुरू हुई जब नून लीग और नवाज शरीफ पर सख्त हालात आ गए और उनके अलावा कोई ना बचा, तो वो एक मशरकी हतून की तरह नून लीग और अपने हावन नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ उठ खड़ी हुई और हालात सख्त कशीदा थे। मुशर्रफ का ताज़ा और मजबूत माशाल्लाह नाफज था। वो सड़कों पर एहतजाज के लिए निकली और हर तरह से नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनकी बहादुरी ये थी कि उनके साथ कोई ना था। मुशर्रफ उनको सज़ा दे सकता था, लेकिन वो पीछे ना हटी। उन्होंने सन 2000 में लाहौर से पेशावर तक एक रैली की क़यादत की। उनकी ज़िंदगी यही वो 3 साल थे जो उनकी ज़िंदगी में लोग उनके कारनामे के तौर पर याद करते हैं। उस वक्त की एक मशहूर तस्वीर भी थी जब उनको नज़रबंद किया गया तो वो गाड़ी को लॉक करके बाहर निकली तो पुलिस वालों ने क्रेन से उनकी गाड़ी उठा ली। वो नून लीग की सदर सन 1999 से लेकर 2002 तक रही। NA-120 से नेशनल असम्बली के लिए भी मुंतखब हुई, लेकिन वो हलफ उठा ना सकी। जब जनरल मुशर्रफ ने तुम्हें अटक के जेल में डाला था, ये जो मोटू गैंग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये बिलों में छुप गई थी, ये नजर नहीं आ रही थी। ये बेचारे डर के बैठे हुए थे। कौन निकला था आपके लिए? कलसूम नवाज निकली थी, आपकी बीवी निकली थी, उसे हम खराज 14 महीने के दौरान मैंने उनको देखा है कि वो अपने बेटे हुसैन नवाज की गुमशुदगी के लिए अदालतों के चक्कर भी लगा रही हैं, पटिशनें भी फाइल कर रही हैं, खामन को मिलने के लिए कभी कराची जा रही हैं, कभी बहादुरी जा रही हैं, साथ ही साथ पार्टी को भी मोबिलाइज कर रही हैं। और उन दिनों में मैं देखता था, उन दिनों में मैंने बहुत करीब से देखा है कि बेगम कलसूम नवाज अपने नवाज शरीफ साहब के कुछ करीबी साथियों को फोन करती थी, वो उनका फोन नहीं सुनते थे,
سم ٹائم ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک بہت بڑے لیڈر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آج کل بھی وہ نون لیگ کا بہت بڑا لیڈر ہے، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کو فون آ رہا تھا بیگم کلثوم نواز، وہ ان کا فون نہیں سن رہے تھے، تو میں نے کہا کیا فون کیوں نہیں سن رہے آپ؟ کہتے ہیں یار یہ بیگم صاحب مروائیں گے ہمیں، وہ کہتی ہیں باہر نکلو، ہم کیا کریں گے باہر نکل کے، بندے نہیں باہر نکلتے ہمارے کہنے پہ۔ ناظرین، تعلیم کے دوران ہی ان کی شادی ایک بزنس مین کے بیٹے یعنی نواز شریف سے سن 1971 میں کر دی گئی۔ ان کے چار بچے مریم، اسما، حسن اور حسین ہیں۔ 1980 میں نواز شریف نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اپنی ایک الگ پارٹی نون لیگ کا قیام لایا۔ نواز شریف کے تینوں ادوار میں کلثوم نواز خاتون اول بھی رہیں، وہ ایک مشرقی روایات کی عکاس اور پابند خاتون تھی، وہ اپنی خاوند کی فرما بردار تھی، وہ ایک سچی، مخلص اور نیک خاتون تھی۔ اس کا اعتراف ان کے محالفین نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر کیا، انہوں نے کبھی کسی کے مخالف بیان نہ دیا اور نہ ہی کسی کو کبھی برا بھلا کہا۔ بیگم کلثوم نواز کو لندن کی مسجد میں غسل دیا گیا اور شہباز شریف حمزہ شہباز کے ساتھ ان کی میت لینے لندن گئے، ان کو جاتی عمرہ میں دفن کیا جائے گا۔ ان کا فنرال یعنی نماز جنازہ 14 ستمبر 2018 بروز جمعے کو 5 بجے جاتی عمرہ میں ادا کیا جائے گا۔